जी सर, अपना नाम सुभाष वर्मा, प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन। जहां हमारा पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन का जिम्मत है, जो सरकार ने एसओ 520 रिगार्डिंग डेली एक्टिव वर्कर्स के लिए निकाला है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो बनाई है, वो हम उसको हेल नहीं कर सकते, क्योंकि इस एसआरओ में दो दशकों के बाद एसआरओ निकला है, उसमें कई प्रकार के लकूनाज हैं, कमियां हैं, और जब तक ये कमियां रहेंगी, हमारा डेली रेटेड वर्कर जो है 20 साल का 24 साल का वो परमानेंट वर्कर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सीएसआर में नहीं आते हैं, ना तो ये एनपीएस में आते हैं, क्योंकि एनपीएस को जो वर्कर होगा उसको सारे अलाउंसेस मिलेंगे, उसको डीए भी मिलेगा, उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे, सिर्फ उनको पेंशन नहीं मिलना है। और ये जो हमारा वर्कर है, इसके लिए स्पेशल एसआरओ 520 है, इसमें डेली रेटेड वर्कर ही अभी भी उनको डेली रेटेड वर्कर की व्यवस्था में रखा गया, चाहे वो 10 साल का होगा, चाहे वो 20 साल का होगा, चाहे वो 23 साल का होगा। अब जो 10 साल से पहले वाला वर्कर है, जिसके 10 साल पूरे नहीं हो रहे हैं, उसको कौन सी व्यवस्था में रखा जाएगा, उसको कौन सा रेट मिलेगा, सरकार ने कुछ नहीं उसके बारे में बोला है, क्योंकि हम जहाँ तक हम जानते हैं वही उसी व्यवस्था में रहेगा, वही पुराना रेट लेगा, उसको वही साल की 4 बेसिस मिलेगी, उसके वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी जो वर्कर हमारा रिटायर हो रहा है, उसको भी कुछ नहीं, जनवरी 2018 को रिटायर हो रहा है, वो भी ऐसे ही घर में जा रहा है। और इस प्रकार की व्यवस्था अगर सरकार करती है, तो हम इसको मतलब कि एसोसिएशन की तरफ से कुछ ज़्यादा इस पर जो खुशी मनाने वाली कोई बात नहीं है। हम वर्करों को, हम जो अपनी स्ट्राइक है 28 फरवरी की जो दी हुई है हमने, उसको फिलहाल हम डेफर करते हैं, और इसके बाद हम अपने वर्कर को अवेयर करने जा रहे हैं फील्ड के अंदर ये एसआरओ क्या है इसके बारे में, और उसके बाद नए सिरे से आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश करें।